धन्यवाद माननीय, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के संविधान से बढ़कर कोई है? क्या इस देश के संविधान से बढ़ के ये सरकार है? क्या इस देश के संविधान से बढ़ के कोई राज्य सरकार है? क्या इस देश के संविधान से बढ़ के कोई सदन का सदस्य है? माननीय, इस देश के संविधान ने व्यवस्था दी, इस देश के संविधान ने राज्यों को अधिकार दिया, लेकिन धीरे धीरे करके आप राज्यों के दिए गए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सेल टैक्स राज्य का अधिकार, आप जीएसटी लेके आते हैं। मोटर व्हीकल राज्य का अधिकार, आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आते हैं। कृषि राज्य का अधिकार, आप कृषि काला कानून लेके आते हैं। दिल्ली की विधानसभा देश के संविधान के तहत बनाई गई विधानसभा, आप विधानसभा की कमेटियों का भी पावर छीन लेते हैं। और इस डैम सेफ्टी बिल में माननीय, आप वही काम कर रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत है, तू कौन मैं खामखा। आपसे किसने कहा कि आप राज्यों की डैम सेफ्टी के अंदर इंटरफेयर कीजिए? किस राज्य ने आपसे अनुरोध किया? तमिलनाडु का विरोध है, केरला का विरोध है, उड़ीसा का विरोध है, कर्नाटक का विरोध है। और साफ तौर से देश के संविधान की धारा 252 कहती है, दो राज्यों के अनुरोध के बगैर आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बावजूद इसके आप देश के संविधान के विपरीत जाके हर क्षेत्र में अपनी मनमानी और तानाशाही थोपते जा रहे हैं। इसलिए मैं इस बिल की निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। और जैसे आप कृषि बिल में एक साल तक किसानों को सड़क पर रखकर 750 किसानों की शहादत लेकर आपको मजबूर होना पड़ा यूपी का चुनाव देख के वो बिल वापस लेने के लिए, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको कल को यह बिल भी वापस लेना पड़ेगा। इसलिए अभी भी सुझाव है कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए। हर चीज में अपनी तानाशाही और मनमानी से बिल पर बिल थोपने का काम मत कीजिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सेशन में आप एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आएंगे, लेकिन आपको हर वो कानून लाना है जिससे राज्यों में झगड़े बढ़े। इसमें क्या क्या प्रावधान दिया है माननीय, आपने इस बिल के अंदर मेंटेनेंस के लिए जो पैसा है, जो फंड है, वो तो आप लेंगे राज्य सरकार से। इस बिल में जितनी आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे सबको फॉलो करने की जिम्मेदारी तो राज्य की है। आप इसके राज्य के अधिकारियों के ऊपर अपने अधिकारी, अपने कमीशन, अपनी कमेटी सब आप बिठाल देंगे, लेकिन जब उनको मेंटेनेंस के लिए पैसा देने की जरूरत आती है, फंड देने की जरूरत आती है, तो उसमें आप एक पैसा नहीं लगा रहे, उसमें आपकी अपनी मनमानी चलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस लिए आप ये बिल लेके आए? जहां पर आपकी राज्य सरकारें होंगी उनका फेवर करने के लिए आप ये बिल लेके आए? दो राज्यों के बीच में पानी का झगड़ा लगवाने के लिए आप ये बिल लेके आए? और भविष्य में राज्यों के बीच में झगड़े करा के अपनी राजनीति साधने के लिए और कुछ चंद पूंजीपतियों को मेंटेनेंस और सेफ्टी के नाम पर बड़ा बड़ा ठेका देने की मंशा से आप ये बिल लेके आए? यही मंशा है धन्यवाद इस बिल के पीछे। माननीय, आपको आपने सबको समय दिया, आपको भी मैं मेरी बात भी दिया। बस थोड़ी बात पूरी हो जानी थी। मेरे पास और 11 वक्ता है, मैं खत्म कर रहा हूं। और हाँ, खत्म कर रहा हूं, एक मिनट पे खत्म कीजिए बस। बिजली, सिंचाई, पीने का पानी, सबकी निर्भरता पर आप अपना अधिकार, जो राज्यों के पास अधिकार है उस पर आप अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और हर चीज में बिजली का उत्पादन होगा, फिर सिंचाई होगा, फिर पीने के पानी का होगा, हर चीज में आपका हस्तक्षेप इस बिल के माध्यम से धीरे धीरे करके बढ़ेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है राज्यों के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के संविधान की मूल भावना के लिए, और इस देश के संघीय ढांचे के खिलाफ ये बिल है। धन्यवाद। आप सर खत्म कर रहा हूं। हाँ, खत्म कर। राज्यों के अधिकारों के खिलाफ और उससे हस्तक्षेप, संघीय ढांचे के खिलाफ ये बिल है माननीय। और माननीय, मैं अंत में यही अनुरोध आपसे करना, आपके माध्यम से इस सरकार से करना चाहता हूं
कि 12 सांसदों को आपने निलंबित किया है, आज इस बिल की चर्चा में वो नहीं है। आज इस बिल की चर्चा में हम लोग शामिल नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये जनहित का एक बड़ा मुद्दा था, ये विषय नहीं, राज्यों के हित का एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए हम लोग चर्चा में शामिल हुए हैं। स्पीकर बोल रहा हूं, इस भावना का सम्मान करते हुए उन हमारे साथी सांसदों को आप सदन में लाइए और उनके निलंबन को वापस कीजिए। ये सरासर उनके साथ आपने उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके अधिकारों को छीनने का काम आपने किया। 12 सांसदों को आपने निलंबित करके बाहर कर दिया। आप तानाशाही की सरकार चला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता, तानाशाही से संसदीय परंपरा नहीं चलती साहब। अरुण जेटली साहब को पढ़ लीजिए, वो सदन की बाधा को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा बताते रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पढ़ लीजिए, 2001 में अंत में कह के खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। 2001 अरे सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य तो याद करा लेने दीजिए इनको। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, 48 बहुमत के रूल को सदन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप विपक्ष के सांसदों का इस तरीके से उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इस तरीके से इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।